अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और हाईवेज एंड मोटरवेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ में खुशामदीद। और सफ़र है आज हमारा हज़ारा एक्सप्रेस का। हज़ारा एक्सप्रेस का प्लान बुरहान इंटरचेंज के करीब से स्टार्ट किया गया, जिसको तीन फेजेस में मुकम्मल होना था और इसने था कोर्ट तक जाना था। इस सड़क के बनने से हसन अब्दाल, हरिपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा, शिंक्यारी जैसे जो बड़े शहर हैं वो बाईपास हो जाते थे। इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से थाकोट तक हज़ारा एक्सप्रेसवे का मंसूबा बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 180 किलोमीटर रखी गई। इस मंसूबे के तहत कराक्रम रोड पर सफ़र करने वाले हसन अब्दाल, हरिपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेहरा और शिंक्यारी जैसे शहरों को बाईपास कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ इन शहरों की अपनी ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगी। हज़ारा एक्सप्रेस वे पर पहली इंटरचेंज झारीकस की आती है। झारीकस के थोड़ी ही देर बाद कोर्ट नजीबुल्ला और हतार इंडस्ट्रियल स्टेट का एग्जिट आता है। कोर्ट नजीबुल्ला से अगली एग्जिट हरिपुर की आती है। ये काफ़ी बड़ी और अहम इंटरचेंज है। खानपुर डैम जाने वाले भी इसी इंटरचेंज को इस्तेमाल करेंगे। हज़ारा एक्सप्रेस का पहला फेज़ शाह मकसूद पर आके ख़त्म हो जाता था। शाह मकसूद से आगे वाला फेज़ जून 2020 में ओपन किया गया। और इस फेज़ के बनने से शाह मकसूद से मानसेहरा तक सड़क खोल दी गई।
इस तरह एपटाबाद हवेलियां और मानसेहरा जाने वालों को बहुत बड़ी सहूलत मिली। तीन साल पहले M1 से शाह मकसूद इंटरचेंज तक हज़ारा मोटरवे का 45 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके खोल दिया गया था। इस हिस्से के खुलने से हसन अब्दाल और हरिपुर शहर बाईपास हो गए थे। हाल ही में शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा तक मज़ीद 50 किलोमीटर हिस्सा खोल दिया गया है, यानी मजमूई तौर पर अब तक हज़ारा मोटरवे का 95 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके आम ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। मैं आज आपको शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा इंटरचेंज तक खुलने वाली मोटरवे की सैर करवाऊँगा, तो चलिए बिस्मिल्ला पढ़कर सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये इस हिस्से की पहली टनल है। इस इंतहाई खूबसूरत टनल की लंबाई तकरीबन 2.25 किलोमीटर है। इसमें रोशनी के लिए लाइटिंग और हवा के गुजरने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। डबल लेन इस सुरंग में छोटी गाड़ियों की हद रफ्तार 60 जबकि बड़ी गाड़ियों की हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तय की गई है। हज़ारा एक्सप्रेस के इस हिस्से पर यह दूसरी सुरंग है। इसकी लंबाई तकरीबन 390 मीटर है। यहाँ भी रफ्तार वही 60 और 50 किलोमीटर है। अगर किसी वक्त सुरंग के अंदर लाइटें ना जल रही हों या आपको ज़्यादा रोशनी के लिए अपनी गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़े तो आप हेडलाइट्स दिला सकते हैं। हज़ारा एक्सप्रेस की खूबसूरती के बारे में जितना सुना और देखा था, माशाल्लाह इसने मायूस नहीं किया। लश ग्रीन वैलीज़ में बल खाती हुई सड़क जा रही है, सुभान अल्लाह।
आप ये जो रोड की साइड्स पे ब्लॉक देख रहे हैं लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो बहुत अहम काम के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। शाह मकसूद से हज़ारा एक्सप्रेस के ज़रिए मानसेहरा जाते हुए एबटाबाद के बाद सिर्फ एक इंटरचेंज ही रास्ते में आता है, जिसे एबटाबाद मानसेहरा इंटरचेंज कहा जाता है, और इसका करीबी शहर कलंदराबाद बनता है। कलंदराबाद मानसेहरा और एबटाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़ है। हज़ारा एक्सप्रेस का पार्ट जो मानसेहरा से थाकोट तक खुल गया, तो इसका स्टार्ट एक टनल से हो रहा है, आप देख रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में सफ़र किया था शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा तक, और पिछले महीने मानसेहरा से थाकोट तक का रीजन खोल दिया गया, और ये सड़क अब जाके कनेक्ट करती है थाकोट पे सीधी कराकरम हाईवे को। ये बहुत बड़ा इनकलाब है, जो लोग इस सड़क पे कराकरम पे सफ़र करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, और पिछले सफ़र का भी बड़ा मज़ा आया है। और इंशाल्लाह आगे चलते हैं, नई सड़क देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। हज़ारा एक्सप्रेस का मंसूबा इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से शुरू किया गया, जिसके पहले फेज़ में शाह मकसूद तक सड़क मुकम्मल की गई। इस 40 किलोमीटर के फेज़ में हसन अब्दाल और हरिपुर जैसे शहरों को बाईपास किया गया, जबकि फेज़ टू में शाह मकसूद से मानसेहरा तक सड़क को खोल दिया गया। इस फेज़ की लंबाई तकरीबन 60 किलोमीटर है। इस फेज़ के बनने से हवेलियां और एबटाबाद शहर की मुश्किल ट्रैफिक से बाईपास मिला, और अब हाल ही में इसका तीसरा और आखिरी फेज़ हर किस्म की ट्रैफिक के लिए थाकोट तक खोल दिया गया है। इस फेज़ के बाद मानसेहरा और शिंक्यारी जैसे शहरों को बाईपास मिला, और इस फेज़ की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो चलिए इस खूबसूरत सड़क की सैर करते हैं। मानसेहरा टनल की कुल लंबाई 2528 मीटर है, जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर बनती है। ये टनल सिंगल लेन है, लिहाजा ओवरटेक करने का सोचें भी ना। टनल में खुदा न खास्ता आग लग जाने की सूरत में फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं, ताकि बर वक्त इस पर काबू पाया जा सके, और किसी एमरजेंसी की सूरत में अगर आपको गाड़ी रोकनी हो तो इसके लिए कुछ फासले के बाद एक्स्ट्रा लेन दी गई है, ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो।
एमरजेंसी की सूरत में मैनेजमेंट से रابطے की ज़रूरत हो तो एमरजेंसी कॉल के लिए टेलीफोन बूथ भी कुछ फासले पर नज़र आते हैं। और अगर जल्दी में टनल से बाहर निकलना पड़े तो टनल की इन और आउट का फासला बताया गया है ताकि आप ठीक सिमत में ट्रैवल कर सकें। मानसेहरा टनल से निकलने के कुछ देर बाद शिंक्यारी का कट आ जाता है। उल्टे हाथ मुड़ने पर आप बफा और बजना जा सकते हैं और शिंक्यारी जाने के लिए आपको सीधे हाथ मुड़ना होगा। माशाल्लाह सब्ज़े से भरे बुलंद पहाड़ और दामन में लहलहाते खेतों से गुजर कर जाना भी बहुत खुशगवार एहसास है। सड़क से आपको छोटे छोटे घर नज़र आते हैं और मुकामी लोग काम काज में मसरूफ़ हैं और इर्द गिर्द की ग्रीनरी आपका मूड बहुत अच्छा रखती है। हज़ारा मोटरवे का ये फेज़ नहायत खूबसूरत है। कुदरत के रंग इतने गालिब हैं कि सफ़र का पता ही नहीं चलता और ऐसे सफ़र पर थकावट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी पहाड़ सड़क से दूर चले जाते हैं तो वादी का मंजर महसूस होता है और कभी सड़क के दोनों तरफ में आकर सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। सफ़र पर कई जगह ऐसी गुजरी जहां दिल किया कि गाड़ी रोककर कुछ देर कुदरत से हम कलामी की जाए, मगर अभी मुझे मगरिब से पहले थाकोट पहुंचना है। मानसेहरा टनल के बाद दूसरी टनल कारमिंग की आती है जो कि ज़्यादा लंबी नहीं। इस टनल में भी पिछली टनल की तरह फायर एक्सटिंग्विशर, टेलीफोन बूथ और एमरजेंसी लेन की सहूलत दी गई है और ट्रैफिक के महफूज बहाव को यकीनी बनाया गया है। हज़रात मेरे व्यूअर्स, अपना इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच छोड़कर मेरे ड्रोन शॉट्स चेक करने पहुंच चुके हैं कि मैं काम ठीक भी कर रहा हूं या नहीं। अब दुआ करें कि इज्जत रह जाए।
यहाँ भी दूसरी टनल्स की तरह सब सहूलतें दी गई हैं जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। बटल टनल के बाद बटग्राम का कट आता है और आपका सफर मजीद खुशगवार हो जाता है। मानसेरा के बाद ही सड़क का शायद मोटरवे वाला स्टेटस खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बाइक भी रिक्शे भी अलाउ हैं और सिंगल सड़क हो जाती है। अभी मैंने बटग्राम क्रॉस किया है और मानसेरा से लेके बटग्राम तक तीन टनल्स आई हैं, तीन तीन किलोमीटर की दो टनल्स हैं, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की और बेहतरीन ग्रीन जो है वो सफ़र जारी है हमारा। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन है ना तो ये हज़ारा एक्सप्रेस आपके लिए बेस्ट है। मानसेहरा तक आपकी जो वैली होती है ना, पहाड़ ज़रा दूर दूर होते हैं, मानसेहरा के बाद दोनों पहाड़ करीब आ जाते हैं, सड़क बीच में नैरो पैसेज बन जाता है। दूसरी बात आपको बताऊँ, बटल टनल के बाद आपका जो रास्ता है वो डाउन स्लोप स्टार्ट हो जाता है तो आपकी जो ड्राइव है उसको थोड़ा ट्रिकी हो जाती है, तो स्पीड का आप लाजमी ख्याल रखें। एक सर्विस एरिया अभी गुजरा है पीछे से लेकिन वहाँ पर अभी काम जारी है। तो बटग्राम क्रॉस किया तो हार्डली मेरा ख्याल है 12-15 किलोमीटर यहाँ से रह गया है थाकोट, तो चलते हैं। लें जी, थाकोट टनल भी आ गई और गुजर भी गई। जब आप टनल में से गुजरते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे पीछे से कोई दोशीदा आवाज़ दे रही है, एक फ़ीमेल विसल आपको फील होती है लेकिन वो एयर ब्लोअर होता है, लिहाजा आपने सीधा ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना। हज़ारा एक्सप्रेस का मेरा ये सफ़र थाकोट पे आके ख़त्म हो गया। अभी मैंने थाकोट की टनल क्रॉस की है, 615 मीटर लंबी है ये। यहाँ इस टनल के 5 से 6 मिनट ड्राइव पर आपको थाकोट शहर आ जाएगा जहाँ जाके ये सड़क KKH के साथ लिंक हो जाएगी। देन फिर आप अगर राइट टर्न ले लेंगे तो बशाम चलास की तरफ निकल जाएंगे और अगर लेफ़्ट टर्न ले लेंगे तो आप KKH के पुराने रूट पे आ जाएंगे। रास्ते में जो इंटरचेंजेस कोई नहीं है, मानसेहरा के बाद जितने भी शहर और गांव हैं वो खुद सड़क के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इंटरचेंज कोई नहीं है। स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं इवन के। और ये सड़क जो है 12 महीने इंशाल्लाह चलेगी क्योंकि नारायण बाबूसर जो रोड है वो चलता है 3 से 4 महीने, उसके बाद वो बर्फ़ में कवर रहता है। तो KKH का अल्टरनेटिव बड़ा अच्छा दे दिया गया है और अब हमारा काम है इस सड़क की एहतियात करें, इसकी हिफाजत करें और ख़ास तौर पे मेरे ट्रक वाले भाई इस सड़क की हिफाजत करें। और आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा और ये ट्रैवल जो है मैंने ऑल द वे आप लोगों के लिए किया है, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आप पाकिस्तान की बुलंद तरीन खूबसूरत आबशारें देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर मूड है एबटाबाद शहर जाने का तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।